वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं पार्क को देखने आया हूँ तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पर एक अंडा पड़ा है। पता नहीं किसने यहाँ अंडा दे दिया है। इसको मैं चेक करता हूँ, ये तितरों का अंडा लग रहा है। ओए, ये तो टूटा हुआ है यार। ये तितरों ने किस जगह अंडा दे दिया है और टूट भी गया है अंडा। है रानी, तुम कहाँ कहाँ अंडा दे देती हो, कभी वहाँ तो कभी यहाँ तो कभी कहाँ। चलो आप इसको कहीं फेंको, ये किसी काम का ही नहीं है। और इसको मैंने रात को बंद किया था उसके अंदर, और इसके जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गए। ओ भाई, यहाँ क्या आ गया है? अंडा यहाँ पे कहाँ से अंडा आ गया भाई? अभी तितरों ने वहाँ अंडा दिया हुआ था, यहाँ भी अंडा आ गया। इसका भी इंक्यूबेटर में रखते हैं। हाँ, ये तितरों का यहाँ क्या करने आ गया भाई? मुझे लगता है पता है क्या हुआ है। 3 दिन हो गए ना हमने उनको नहीं देखा। ये अंडा ना उन्होंने जिस दिन हमने अंडे इंक्यूबेटर में रखे थे उस दिन दिया, और एक इन्होंने आज दिया। यहाँ का इन्होंने दिया होगा नीचे, इन घरों में तो दे देते हैं। तो किसी कबूतर वगैरह ने पकड़ के उसको पटक पटक के तोड़ दिया है ना। तो इस अंडे का जो अभी हमने कर रहे हैं उसको इंक्यूबेटर में रखे। चलो फिर कमरे में चलते हैं, इसके ऊपर भी निशान लगाते हैं और रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंक्यूबेटर पड़ा हुआ है भाई ये बंद नहीं है, और है इसका टेम्परेचर ना 38 से नीचे गया हुआ है। तो ये यार मार्कर लेके आया है, मैं इसके ऊपर निशान लगाता हूँ और रख देता हूँ इसके अंदर। और अंडों को मैंने रोटेट भी कर दिया था। कैमरा पकड़ो। और इतनी देर में ये इंक्यूबेटर भी ऑन हो गया। बड़ा भैया, इसके क्रॉस वाली साइड अभी रखेंगे कि दूसरी? क्रॉस वाली नीचे कर देते हैं ना, उनके साथ पैटर्न रहेगा। चलो ये क्रॉस लग चुका है। और दोस्तों, इन अंडों को ना मैंने रोटेट कर दिया था, तकरीबन सुबह उठते ही कर दिया था मैंने। मेरे ना कहीं बार में याद ना भूल जाए, क्योंकि आपको पता तो है यार में मुझे हर बार याद भूल जाती है। ये अंडा गया अंदर। अंदर पूरी हीट है, मोटी होती है, ज़्यादा छेड़ते नहीं है। कहीं अंडे का कोई सिस्टम ना खराब। जैसे खुद ऐसे ही मैंने इसको खोले, इसको टेम्परेचर स्पीड में नीचे गया। हाँ, 8 अंडे। अगर वो अंडा ना टूटा होता तो अभी इसमें 9 अंडे होने थे। देखो ऑन भी हो गया। फातिमा इधर आओ, इधर आओ, इधर। कल हमने इंक्यूबेटर में अंडे रखे थे ना, अभी तितरों ने एक और अंडा दे दिया, उसको भी मैंने रख दिया है। कोई बैटरी होस्टर आई ना? आपको अभी उसी की पड़ी रहती है, नहीं आई। बस एक आई है कि तितरों का एक अंडा टूट गया था। तो देखो अंडे कैसे सोने के अंडे लगे हैं ना। ये तो लाइट की वजह से येलो। अब तितरों के चलो ये तो अपना प्रोसेस करता रहेगा। हम जाके बर्ड्स को संभालते हैं। और अभी हमें क्या करना है ना, जल्दी जल्दी जाने और रैबिट्स के लिए चारा लेके आने। सुबह तक तो उनका चारा था लेकिन अब खत्म हो गया। शाम के लिए उनका चारा नहीं बचा है, तो अभी भी हम जाते हैं और चारा ले आते हैं। अभी हम चारा ले आए हैं। इस चारे को ना मैं टोकरी में खाली कर देता हूँ। इस थैले को ना मैं साइड पे रख देता हूँ, क्योंकि कल दोबारा हमने लेने जाने चाहा तो ये ना हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बाकी ना अभी सख्त धूप है, मैं थोड़ी देर बाद बर्ड्स को ग्रीन जाली भी लगा दूंगा। और फिर अब हम मिलते हैं इनके जब दाने का टाइम लगेगा। यार आज ना मैंने बहुत ज़्यादा देर बर्ड्स को खोले रखा है। अभी अभी मैंने इनको बंद किया, उस सब ने ना जाके पुराना दाना खाना शुरू कर दिया। और उधर वाले बर्ड्स को भी मैंने अभी दाना नहीं डाला। तो मैंने अभी क्या करना है, जल्दी से अपने सारे के सारे बर्ड्स को ना यार दाना डालना है, क्योंकि शाम का टाइम है, इनके दाने का टाइम भी गुजर गया। और जल्दी जल्दी इनको दाना डाल देता हूँ कि इनको ज़्यादा भूख ना लग रही हो। मुझे तो नहीं लगता आज इनका गुजारा होगा। दुआ फातिमा। चलो मेरी हेल्प करवाओ, बर्ड को दाना डालने में। भैया वहाँ नहीं डालते, वहाँ। अच्छा लो भाई, खाओ खाओ, तुम्हारे जाने है। चलो भाई, इनको दाना डाल दिया। अब मैं जाके उस तरफ की जो साइड है उधर डाल देता हूँ, और मैं एक दफा ना आपको टाइम बताता हूँ क्या हो रहा है भाई। आप कहेंगे भाई इतना लेट, हम इनको डालते होते हैं तकरीबन 6 बजे दाना, और अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ 6:55। आज तो मेरा लेट हो गया। और हाँ, रैबिट्स को मैंने ना आज खोला नहीं है क्योंकि वो गंद बहुत मचाते हैं। और ये मोटू और चांदी ने क्या काम किया, स्कूल आया हुआ है। और भाई ये जाने भी होगी। अब मैं जल्दी जल्दी में बर्ड को दाना डाल देता हूँ। इसकी ग्रोथ तो बड़ी अच्छी हो गई है, इतना ज्यादा बड़ा हो गया। ये दोनों उठ रहे थे, मैंने उसको देख लिया। मैंने अभी बर्ड का सारा काम कर दिया है, तो आज की वीडियो का यही एंड कर देते हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। आज के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अच्छे से कमेंट भी कर देना।